देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से फील्ड में गए, जनता के बीच गए हैं, तब से हमारे सभी विधायक बड़े खुश हैं और जो रिस्पॉन्स मिल रहा है तो विधायक का कॉन्फिडेंस पहले भी अच्छा था और अब उनकी नीतियों को जब जन समर्थन मिल रहा है, पब्लिक जब ये कहती है, चाहे वो परिवार पहचान पत्र हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे बिना पर्ची खर्ची नौकरी हो, उसका जो जन समर्थन हमें मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी को, इसके कारण सभी विधायक कहते हैं कि ये नीतियाँ बहुत अच्छी थी और उस पर अब जनता ने मोहर लगानी शुरू कर दी। आज तो विधायकों ने, हमारे बहुत से विधायक कर्नाटक और पंजाब के चुनाव में हैं, तो जितने विधायक यहाँ थे सभी यहाँ मिले, उन्होंने विकास की बातें की, आप अपने एरिया के जो कुछ मुद्दे थे उनको लेकर व्यक्तिगत रूप से पर्सनल सीएम साहब के साथ 10 मिनट 15 मिनट वो बैठे हैं। ऐसी हमारी जो लोकसभा, अभी सोनीपत लोकसभा की भी मीटिंग 28 तारीख को होगी, जो कि 10 बजे से लेकर 2 बजे तक माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर रहेगी। उन सभी 9 विधानसभा के कार्यकर्ता, प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ आकर जो जो घोषणाएं पहले हो चुकी हैं उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगे और आगे क्या क्या चाहते हैं वो उनको सुना जाएगा। ऐसे उससे सभी विधायक हमारे संतुष्ट है, वो केवल पॉलिटिकल मुद्दा रह गया है, बाकी वैसा धरातल पे कोई मुद्दा नहीं है, उठान भी हो रहा है और सारी परचेज भी हो रही है। ऐसी कोई जानकारी हमारे कारण नहीं है, किसी विधायक ने ऐसा कहा है तो आप नाम करके कोट करके बता सकते हैं, नहीं तो ये तो मुझे लगता है कि केवल सोशल मीडिया से पैदा हुआ कुछ विचार हो सकते हैं, अंदर के ऐसे कोई विचार नहीं थे, क्योंकि मैं उस समय भी उस मीटिंग में था। आप बता रहे हैं सर कि पंजाब में, कर्नाटक में हमारे विधायक गए, किस बात को ज़्यादा रखा जा रहा है वहाँ पर चुनावी माहौल के अंदर या फिर जो कर्नाटक के अंदर? देखिए कर्नाटक में तो हमारी सरकार है, उन्हीं नीतियों को लेकर जा रहे हैं, बाकी मेरी विस्तृत किसी विधायक से वहाँ कोई बात नहीं हुई तो मुझे उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था हर चीज़ की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और हम अपने खिलाड़ियों के साथ है, तो हरियाणा के प्रत्येक खिलाड़ियों के साथ अगर उनके साथ कहीं अन्याय होगा तो उसका डटकर हम मुकाबला करेंगे, हम खिलाड़ियों के साथ है, अगर उनके मुद्दे ठीक है हम उसकी जांच के लिए तैयार हैं। सर पिछले दिनों आपने एक मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट कर दी, लेकिन इसके बावजूद एक आईएएस अधिकारी ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जांच 9 साल से हो रही है, अभी तक किसी को सजा नहीं हुई, रिपोर्टर का पॉलिटिकल मुद्दा बन गया, बॉर्डर डीएलएफ लैंड डील का मुद्दा, ये अधिकारी का ट्वीट है, लेकिन आपने इस स्थिति स्पष्ट कर दी। सर ये कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि मनोहर वाड्रा की फोटो लग के और सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहा है कि उनको क्लीन चिट मिल गई है डीएलएफ लैंड डील मामले में, नहीं कोई क्लीन चिट नहीं है, केवल रॉबर्ट वाड्रा नहीं, उस एफआईआर में जितने भी लोग हैं किसी को कोई क्लीन चिट नहीं है, ये स्पष्ट रूप से पहले भी कह दिया था, दोबारा बता रहे हैं किसी प्रकार की कोई क्लीन चिट नहीं है। जहां तक आप कह रहे हैं किसी अधिकारी ने एक टिप्पणी की, तो सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, उनके नाते उन अधिकारी का भी बात करने का अधिकार है। देखिए मुझे एक इसका जो कर्मचारियों का लॉ होगा उसकी जानकारी नहीं है, तो उस पर मेरा टिप्पणी है, परंतु अपनी बात तो कह ही सकता है व्यक्ति, अपनी बात कहने में अगर, क्योंकि वो उसका सदस्य नहीं है जो कहीं प्रभावित कर सके, तो अपनी बात तो लोकतंत्र में मुझे लगता है सभी कह सकते हैं। हाँ तो उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, वो सर्विस नियम जो है उसमें वो आते हैं नहीं आते इसकी जानकारी मुझे नहीं। निश्चित रूप से जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, माननीय न्यायालय अपना काम कर रहा है, जो भी इसकी जानकारी होगी वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, हमारी तरफ से किसी को, मतलब हमारी तरफ से मतलब जो सरकारी एजेंसी है जो जांच कर रही है, किसी ने किसी को कोई क्लीन चिट नहीं दी। किसका, आप एंटी करप्शन ब्यूरो की बात कर रहे हैं? जी जांच का विषय है, जब तक पब्लिक डोमेन में सारे विषय नहीं आते, जांच में कुछ तथ्य होंगे, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो भी अपने स्तर पे जांच करते हैं, हमें भी जो जानकारी मिलती है जब वो पब्लिक डोमेन में आती है, तो जब आपको पता चलेगा तभी मुझे पता चलेगा, उनकी जांच में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सर, ओल्ड कंडीशन का मामला दोबारा कोई उठने जा
देखिए, इसमें खुद केंद्र की तरफ से एक कमेटी बन चुकी है, उसकी रिपोर्ट का इंतजार है, उसकी रिपोर्ट के बाद हरियाणा उस पर निर्णय लेगा।